हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर फार्मा को हम कैसे बनाएं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में फार्मा के बारे में बताने वाले हैं। और ये सीट देख सकते हैं कि ये सीट हमने इलेक्ट्रिशियन के दुकान से लाए हैं। तो दो सीट है ये, तो हम एक सीट में बनाएंगे कार्निश का। तो कार्निश वाला वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट व्यू मिलेगा जो कार्निश बनाते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जो पंखे का पास जो डिज़ाइन बनता है, उस डिज़ाइन को उस सीट को कैसे तैयार करते हैं और कैसे गुलाई रखते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला है, ठीक है। और इसको कटिंग करके भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बीच में आप लोग कमेंट करते हो कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत सारे जितने भाई हैं अपना अलग अलग अपना तक दिक्कत बताते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको सेंटर से इसको करेंगे दो, ठीक है। एक इधर के लिए बनाएंगे, एक इधर के लिए बनाएंगे। तो इसको पहले हम पीछे से दो कर लेते हैं, उसके बाद से जब इसका ड्राइंग हम बैठाएंगे इसके ऊपर डिजाइन, फिर आप लोग को हम दिखाएंगे। चलिए पहले इसको हम बीच से दो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमको इसको दो भाग में कटिंग कर दिए हैं। और एक भाग को हम बनाएंगे इस पे डिजाइन, जो कोई भी एक भाग हो, एक पे हम बनाएंगे डिजाइन और एक को रखेंगे क्योंकि ये आगे हम लोगों को काम आएगा, ताकि जब भी आगे नेक्स्ट टाइम हमको ज़रूरत पड़ेगा फर्मे का तो हम उसको कटिंग करके बनाएंगे। तो ये एक हो गया। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे सिर्फ गुलाई वाला ही बनाएंगे हम, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। सिर्फ गुलाई वाला हम बनाएंगे और यहाँ पे एक टक रखेंगे कि यहाँ पर टक रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाप लेते हैं कि इसमें कितना गुलाई इसमें बैठता है। उसको पहले हम बैठा के फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कितना गुलाई बैठ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, पहले क्या करते हैं इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका पहले सेंटर निकालेंगे तो पहले नापते हैं कि ये पहले कितना ये है, ठीक है। तो ये आ गया इसका इतना, ठीक है। और इधर से निकालेंगे इतना। अब यहाँ से हम 12 है ना, 12 और 2 सूता, तो ये आ जाएगा 6। तो और देख रहे हैं ये बेसी लग रहा है ना, इसका सेंटर ये आ गया। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, पहले सेंटर का एक हम निशान लगा लेते हैं। ये सेंटर आ गया। चलिए टक निकाल लेते पहले साइड से। मान लीजिए कि हम इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो इतना रख सकते हो, इतना रख सकते हो। मैं अपना फार्मा हमको कितना बड़ा बनाना है, हम इसी हिसाब से हम इसको इतना हम टक निकालेंगे, ठीक है। अब इतना जगह इधर भी छोड़ेंगे। ये नहीं कि हाँ आपको सूता में नापना है, ये कोई चक्कर नहीं होता है सूता में नापने का, कोई ये नहीं है। आप जितना मर्जी आप इधर साइड से निकाल सकते हो। चलिए हम अपना अंदाज से ही इतना दोनों साइड से किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको कुछ इस तरीका से निशान लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया निशान। इसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम गुलाई बैठाएंगे, ठीक है। जहाँ पर गुलाई बैठाएंगे यहाँ तक गुलाई बैठाएंगे। चलिए हम पहले छोटा सा कॉइन को यूज करते हैं। तो 5 के सिक्का ले लीजिएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुलाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ टक के लिए इतना जगह छोड़िएगा, इतना इधर से और इतना इधर से, ठीक है। दोनों साइड से टक के लिए आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद से
वाला ही बैठेगा एक। दो तीन, अब तीन गुलाई इधर से ले लीजिए। एक एक दो तीन। अब देख लीजिए आपका सेंटर में सेम टू सेम मतलब ये बच रहा है। तो अगर जो सेम टू सेम बच रहा है तो आप क्या कीजिए कि अब तो आपको सेंटर पता चल ही गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ मतलब तीन गुलाई इधर हो गया, तीन गुलाई इधर हो गया। आप चाहे तो सेंटर में एक गुलाई दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक गुलाई तो आएगा नहीं, यहाँ पे एक गुलाई नहीं आता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा भी हम दे देते हैं, ठीक है, मतलब छोटे से भी। इस तरीके से फॉर्म को कटिंग करें हम करेंगे, ठीक है। ये आ गया मतलब तीन इधर गुलाई आ गया, तीन इधर गुलाई आ गया, और बीच में एक भी टाइप का रहेगा जो मतलब सेंटर से दिखेगा, और ये आ गया जो मतलब दो पट्टी लकीर की तरह बनेगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यही था ड्राइंग। अब चलिए इसको हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करके उसके बाद से आप लोगों को हम दिखाएंगे। इसमें कटिंग करने में दोस्तों कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को कटिंग करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसको कटिंग करने के लिए आपको मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कटिंग करने के लिए सिंपल सी करना क्या है, ये जो निशान देख रहे हो आप पेंसिल का निशान, इस पेंसिल के निशान से थोड़ा थोड़ा मतलब कम ही कटिंग करना है आपको। मतलब पेंसिल के निशान से थोड़ा कम करेंगे निशान कटिंग, तो क्या होगा कि आप जब रेक माल लगाएंगे तो रेक माल लगा के इसको आप मतलब इसके जितना आप पेंसिल उतना फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पहले क्या करना है दोस्तों, हमको इसको पकड़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाकर ये कटिंग होगा। तो चलिए हम इसको कटिंग करके फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने इसको कटिंग कर लिए हैं, अब देख लीजिए हमको जितना कटिंग करना था हम कर लिए कटिंग। अब क्या करेंगे इस पर कि इसको हम रेक मार के साथ रगड़ेंगे, और बीच वाला जो यहाँ पर है बीच वाला यहाँ से इसे भी, तो उसको हम बाद में कटिंग करेंगे। इसको रगड़ लेते हैं फिर कटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि रगड़ेंगे तो थोड़ा सा इधर आएगा और फिर से इधर आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जब इधर इधर से दोनों आएगा मैचिंग, तो उसके बाद से जो बीच वाला सेंटर बचेगा उससे हम कटिंग करेंगे एक। तो चलिए इसको अब रगड़ते हैं रेकमाल से, और उसके बाद से आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया कि इसको रेकमाल से आप देख सकते हैं, रेकमाल से इसको पूरा फिनिशिंग कर दिया है रगड़ के, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसमें बाकी क्या है, तो इसमें बाकी ये है कि एक बीच में हमको एक भी की तरह ऐसे और ऐसे एक मतलब एक और बनाना है हमको, मतलब ये गोलाई हो गया और एक यहाँ से एक भी टाइप के मतलब बनाना है। ये मतलब ये बनाने से क्या होगा कि दोनों साइड से सेंटर में कुछ अलग ही दिखेगा, दोनों साइड से तीन तीन गोलाई दिखेगा, बीच में सेंटर से भी दिखेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसमें बीच में एक भी टाइप का बनाएंगे, और एक मतलब से जो रगड़ाई किया हमने आप देख सकते हैं 240 नंबर है, देख लीजिए। तो इसी रकमा से हमने रगड़ाई किए हैं, और इस टक को रगड़ने के लिए हमने एक रेती का इस्तेमाल किया है, छोटा वाला रेती को, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये है रेती, इस रेती से इस टक को मतलब बनाया है, और बाकी इसमें एक भी है
वहाँ पे भी रेती का ही मतलब इस्तेमाल होगा। चलिए इस भी को बना लेते हैं, फिर बना के इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि फर्मा आप किस तरह से दिखेगा और पूरा का पूरा ये मतलब फर्मा जो फाइनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इसको रेक में लगा के और प्लस में जो बीच वाला जो सेंटर था हमने बनाया नहीं था, अब इसको भी बना के कम्प्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से, तो ये फर्मा हमारा रेडी हो गया है। अब इस फर्मे से हम चाहे तो डिजाइन बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा फर्मा कंप्लीट हो गया है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और साथ में मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।